माधव राय मंदिर गोरनतला। इसकी शैली तथा स्थापत्य विजयनगर कालीन है। मंदिर में एक महामंडप, अर्ध मंडप जो भित्ती से घिरा हुआ है तथा गर्भगृह है। गर्भगृह के ऊपर एक छोटा सा शिखर बना हुआ है। मंदिर का स्थापत्य अत्यंत श्रेष्ठ व दर्शनीय है तथा मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के सलू वंश के शासक राजा नरसिम्हा ने 1354 ईस्वी में करवाया था। यह मंदिर आकार में छोटा लेकिन कला व स्थापत्य की दृष्टि से अत्यंत सुंदर व महत्वपूर्ण है। यह मंदिर भगवान महाविष्णु को समर्पित है। गर्भगृह में भगवान विष्णु की कृष्णवर्ण प्रतिमा स्थापित की हुई है। अर्धमंडप चारों ओर से भित्तियों से घिरा हुआ है तथा इसके कंबों पर भगवान विष्णु के दशावतारों को उत्कीर्ण किया गया है। खंभों के साथ अर्धमंडप की भीतरी छत भी दर्शनीय व मनमोहक है। भगवान के दर्शन के पश्चात यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण महामंडप है, जिसमें बने याली के खंभे देखते ही बनते हैं तथा विजयनगर स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। ये याली खंभे अन्य मंदिरों में बने विजयनगर कालीन खंभों से कला में भिन्न हैं। महामंडप व अर्धमंडप की छतें भी विजयनगर कालीन श्रेष्ठ कला का नमूना है। महामंडप में याली खंभों के अलावा बाकी खंभों पर भगवान विष्णु के दशावतार, अन्य देवी देवता तथा रामायण व महाभारत कालीन दृश्य उत्कीर्ण हैं। जिनमें प्रमुख रूप से कालियानाग मर्दन, भगवान कृष्ण की कृष्ण लीलाएं और बाल लीलाएं अंकित हैं। इसके अलावा खंभों की बनावट देखते ही बनती है। गर्भगृह में स्थित भगवान विष्णु की प्रतिमा के बिल्कुल सामने मंदिर के बाहर की ओर भगवान गरुड़ की मूर्ति स्थापित है, जो भगवान विष्णु की ओर करबद्ध खड़ी है। मंदिर के छज्जों की बनावट अत्यंत दर्शनीय है, लेकिन कुछ स्थानों पर टूटा हुआ है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश राज्य के अनंतपुर जिले के गोरनतला गांव के बीचों बीच स्थित है। गोरनतला अनंतपुर से लगभग 100, कादरी से 50, बेंगलोर से 120 तथा तिरुपति से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन सभी मुख्य स्थानों से यह सड़क मार्ग से जुड़ा है तथा निकटतम रेल मार्ग कादरी है, जो यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर को बेंगलोर से हैदराबाद जाते समय अन्य दर्शनीय व धार्मिक स्थलों जैसे भोग नंदीश्वरा मंदिर, नंदीग्राम, वीरभद्र स्वामी मंदिर, लिपाक्षी आदि के साथ दर्शन हेतु चुना जाना चाहिए। वर्तमान में यह मंदिर भारतीय पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है तथा इसका रखरखाव बहुत ही अच्छे से किया जा रहा है। मंदिर के प्रांगण में एक सुंदर कल्याणी बनी हुई है, जो यहाँ की जल व्यवस्था को दर्शाती है।
यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।